नमस्कार, डी टी न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं हूं विलास आड़े। इस वक्त हम यवतमाल जिले के पूसा शहर में मौजूद हैं। पूसा शहर में गोरसेना की ओर से एक मार्च का आयोजन किया गया है। यहां के एक ग्रामीण इलाके में श्याम राठौड़ नामक एक युवक की गाँव के दबंगइयों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उस हत्या के जो दोषी है, जो आरोपी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनको फांसी की सज़ा मिले, इसके तहत गोरसेना ने इस मोर्चा का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में पुलिस दल यहाँ पर मौजूद है और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से अनुशासित तरीके से बंजारा समुदाय के लोग इस और गौर सैनिक जिस पूरे मोर्चे में मौजूद है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि यवतमाल के जिला कलेक्टर ने 144 धारा लगाई है, जिसके तहत 5 लोगों से भी ज़्यादा लोग जमने में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर भी अनुशासित तरीके से गौर सैनिक इस प्रकार से पूरी कमान उन्होंने संभाली है और यहाँ पर भीड़ का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्या होगी। वसंत उद्यान से ये जो मोर्चा निकला था, तकरीबन 5 किलोमीटर का पुसद की संकरी गलियों में से पूरा फेर लेते हुए सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर्चे को संबोधित करिए राष्ट्रीय गौर सेना के जो अध्यक्ष है संदेश भाऊ चव्हाण जनता को संबोधित कर रहे हैं, गौर सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कठोर कार्रवाई हो, ये गौर सेना की मांग है। और जो मृतक का परिवार है उसको 25 लाख का मुआवजा मिले, इसके अलावा एक व्यक्ति को घर के परिवार के सदस्य को नौकरी मिले, ये मांग लेकर गौर सेना ने इस मोर्चा का आयोजन किया गया था और ये मोर्चा सफल हुआ है और बेहतरीन तरीके से यहाँ गौर सैनिकों ने इस पूरे मोर्चे की कमान संभाली है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है। विलास आड़े, डी टी न्यूज़, पूसद।